मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी में 6 नवंबर को गाड़ी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद शरीफा सैयद नाम की एक महिला और उवैश कुरैशी नाम के एक लड़के के बीच में हुआ था। दरअसल उवैश अपने दोस्त सुहेल के साथ में पार्क की गई एक गाड़ी पर बैठा था। ये गाड़ी शरीफा सैयद के पिता की थी और तभी वो वहाँ पहुँचे और दोनों लड़कों को गाड़ी पर बैठने को लेकर जो है उनसे कहा सुनी हुई और उवैश शेख ने बताया कि जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी शरीफा सैयद को बुला लिया और उसने काफ़ी गाली गलौज की और धमकी भी देने लगी। धमकी की बात सुनकर उवैश ने बताया कि उमरा पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर पहुंच गया और इसी दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी खुद तोड़ी और इल्ज़ाम जो है उवैश पर लगाना शुरू कर दिया, ऐसा उवैश का कहना है। उवैश ने यह भी बताया कि ना ही वो नशा करता है और ना ही वो आवारा है। इस पूरी घटना पर उवैश शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है और इस पूरे मामले में एक आयशा नाम की लड़की जो विवाद के दौरान वहीं पर थी और उससे भी कहा सुनी हुई थी, इन दोनों लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे। वही एक बात और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हमने जो दूसरा पक्ष है शरीफा सैयद उनसे भी हमने कल रात में जो है फ़ोन पर बात की कि वो भी अपना पक्ष रख सके, तो उन्होंने कहा कि वो अभी मुमरा में नहीं है, वो बाहर है और आज सुबह 11 बजे का उन्होंने वक्त दिया था कि हम 11 बजे मुमरा पहुंचकर जो है आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आप ये जो है आप बाइट ले लेना। मगर आज करीब 11 बजे के आसपास हमने कई बार उन्हें कॉल किया शरीफा सैयद को, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारे कॉल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल जो हमने बातचीत की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। 6 नवंबर को यहाँ पर बाइक पे बैठने को लेकर आपके साथ विवाद हुआ था, ये विवाद किस तरह का था और क्या बैठने की वजह से विवाद हुआ, क्या था ये पूरा मामला उसके बारे में बताइए। ये विवाद मैं और मेरा दोस्त ये सोहेल, यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, जैसे देख रहे हैं ना आप सब बाइक कैसे खड़ी है, ऐसी बाइक खड़ी थी। तो ये बाइक पे हम लोग दो बैठे थे, जैसे रोज़ाना बैठते यहाँ ही घर है ऊपर यहाँ ही बैठे रहते, तो यहाँ ही बैठे थे 2-5 मिनट जरा। तो वो अंकल है बोले अड़ जाओ, मैं अड़ गया दूसरी बाइक पे आके, मैं ये दोनों जाके बैठ गए वहाँ पे। जैसे ही वहाँ पे हम लोग जाके बैठे, वो अंकल बोलने लगे क्या है ना, क्या हम कागज़ आए थे टिका डालते ये वो ऐसा वैसा। हम बोले अंकल ऐसा क्यों बोल रहे तुम, तुम्हारी गाड़ी को कुछ करे क्या, हम लोग ने कुछ करे क्या, रेस करे कुछ करे, मिरर घुमाए कुछ करे क्या। बोले कुछ करे नहीं, लेकिन बैठने का नहीं, एकदम जोर जोर से आगे फाड़ फाड़ के चिल्लाने लग गए, बैठे क्यों, अरे लेकिन ये कोई बात हो गई क्या अंकल, बैठे क्यों। बोला बैठे, ये रोज़ बैठते तो बैठे हम लोग। तो बोले नहीं बैठने का, आगे लिखा हुआ देखे नहीं है तुम लोग ने, ये नहीं देखे क्या। बोला क्या लिखा हुआ है, क्या है, सबका लिखा हुआ रहता है क्या है। तो बोले नहीं नहीं लिखा था गाड़ी पे आके, मैं देखा नहीं था ऐसा, हिंदी में कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था ऐसा, अपन गाड़ी पर बैठेंगे तो इतना थोड़ा ध्यान देंगे। कैसे विवाद कैसे हो गया, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया? हाँ पुलिस, वो तो उनकी बेटी को उतार दिए, वो तो एकदम चिल्लम चिल्ली करने लगे, सुनने नहीं लगे, बिल्डिंग वाले बोल रहे खाली बैठा था वो, लेकिन सुनो सुनो उसकी सुनो उसकी सुन रहे ही नहीं, अपनी चला रहे, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, क्या कर दूंगे तुम्हें, बोला क्या कर लोगे, मैंने क्या कर लिया जो तुम ऐसा क्या कर लोगे। किसके साथ हुआ था बहस? ये बहस वो अंकल से ही हो रहा था, क्या कर लोगे ऐसा। रुकते को तो बोलते रुकते को बताता हूँ, बोला क्या बताएंगे, तो फ़ोन लगाए अपनी बेटी को उतारे, बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले क्या हुआ, तो बोले मेरे को वो बता रहे क्या, हम लोग ने क्या बताया था उनको, ट्विटर पे बताया था कि 12 अक्टूबर को हम लोग ने डाले थे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, कुछ नहीं आ पाती है, इसके वजह से हम लोग ने उनको बताया क्या यहाँ से सारी, हाँ यहाँ से गाड़ियाँ आने आने, तो हम लोग उनको बोले थे देखो अंकल यहाँ से सारी गाड़ी ऐसे भी हटने वाली है, ऐसे हम लोग का रोज़ का ऐसा सबकी पार्किंग प्राइवेट पार्किंग नहीं है वो कुछ इतनी हटने आए। तो बोले तू मेरी गाड़ी हटा के बताएगा क्या, तू मेरी गाड़ी हटा के बताएगा क्या, मतलब तुम्हारी गाड़ी हटा नहीं कर रहे हम लोग, ये सबका बात कर रहे। तो क्या करने के लिए उनकी बेटी को उतार दिए उन्होंने, उनकी बेटी जो आई पूछी खाली क्या पूछी, अब्बा क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा हुआ मेरी गाड़ी हटाने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं। तो जो उसने गंदी गंदी गालियाँ ये वो ऐसा हुआ, इतनी गंदी गंदी गाली ना, इतना नंगापन, इतना नंगापन, बिल्डिंग वाले बोल रहे आपा जाने दो बैठा था खाली, वो कुछ नहीं करा, दुकान वाले बोल रहे चलती फिरती पब्लिक देख रही है कुछ नहीं करा, मैं खाली मैं और ये मेरा दोस्त नल्ला मां साबरीन पढ़ रहे बोल रहे, अरे जान दे चल हो जाएगा सर हो जाएगा सर, लेकिन कुछ नहीं उनका नॉन स्टॉप शुरू। तो मैं एक काम करो आंटी, तुम्हारा इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे पे, इतना वो हो रहा है ना, ये लो ये डंडा लो मेरे को मार दो ख़त्म कर दो। तो उनको इतना हुआ गया, तेरे को इतना ईगो है ये है,
तू मेरे को डंडा उठा के दे रहा है, मार दो। वो डंडा अपनी बाइक पे झटके और बोले, तू ये मत बोल मैं कौन हूँ, मैं औरत जादू, तू कौन है मत जा दे, ये मत बोल। मेरे को सिर्फ दुपट्टा हटाने की सोते, बोले मेरे को सिर्फ दुपट्टा ने मेरा ये हटा देने की सोते और वहाँ जाने की सोते, मेरे को धक्का दे दिए। जो ऐसा बोले मैं ये भागे सीधा पुलिस चौकी। जैसा पुलिस चौकी गए हम लोग, उसने अपनी गाड़ी तोड़ दी, क्या करी क्या अल्लाह जाने, उसके ये सब देख रहे थे, लेकिन देखना सब देखे वो क्या करी क्या मालूम। मैं पुलिस चौकी में आके FIR लिखाया, एनसी लिखाया वहाँ पे। मैडम को ऐसा था बोला, 2 स्टार मैडम बैठे थे वहाँ पे, तो उनको मैं एनसी लिखाया ऐसा था बताया, तो वो बोले वो भी आ रहे ना आने दो। वो आए नहीं, बहुत देर तक 5:30 ऐसा बज गया, तो वो एनसी लिखे मेरी, कंप्लेंट दिए मेरे को, मैं वहीं बैठा रहा उनका इंतजार करते। वो यहाँ पे 7 बजे तक गाली दिए, मैंने फ़ोन करके इसको बुलाया, देखो ऐसा ऐसा मेरे आँख में ले, उन खुद तोड़े और मेरा नाम ले लिए। क्या मैं दौड़ा सबूत, हम लोग बहुत कोशिश करे, वो कैमरा वहाँ के लगे हुए, वो देखने का सोचे, ये देखने का सोचे, लेकिन किधर कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को। और ये लोग ने भी किसने वीडियो निकाला नहीं। NC 5:30 हम लोग की NC है, पहली NC हम लोग की थे। वो तो आए रात को 9:30, जब तक मैं पुलिस चौकी में बैठा था उनके आने का इंतजार, वो देखे ना आया नहीं अब तक ये, इसलिए वो वहाँ पे आए क्या क्या हुआ। तो पुलिस चौकी में NC निकाला, उनकी सुने नहीं, क्यों नहीं सुने बोल रहे। तो वो तो 5:30 से तो बैठे ले, वो कंप्लेंट में डालते कि 6:00 इसने मेरी गाड़ी तोड़ा, तो मैडम बोलते 5:30 से मेरे साथ बैठे ले, ये 6:00 का गाड़ी तोड़ा पुलिस स्टेशन में। हाँ ऐसा बोले, हाँ गलत नहीं बोले, 5:30 से तो मेरे साथ बैठे, 6:00 का थे गाड़ी तोड़ेगा। तो बोले मेरी सुन रहे नहीं, उसको पनिशमेंट दो तो दो, तुम इसको परिमें दो तो दो। अच्छा, वो यही बोल रहे, मारपीट हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ इसको सब गेल लिए वहाँ पे, इसको जाने नहीं दे रहे, मैं इसको बुला रहा हूँ। ये जानकारी मिली कि गाड़ी पे कुछ नशा करने वाले लोग, हाँ मेरे को नशेड़ी बना दिए। अरे मेरा मेडिकल चेक कर दो यार, मैं नशेड़ी, जैसे बाहर आप जैसे बोल रहे हो, सही में स्टूडेंट लोग हैं हम लोग, नशेड़ी लोग नहीं है। नशा यहाँ होता है, यहाँ दिखाई जाएगा, एक मिनट, यहाँ होता है, यहाँ से हम लोग नशेड़ी लोग को उठा के कितने लोग को दिए, सब गवाह है, नशेड़ी लोग हम लोग नहीं है। और हाँ NC वही शरीफ, उनके नाम पे दिए, और उनकी उनके डैडी के नाम पे दिए, और एक अंकल थे कोई उनके, हाँ हाँ के नाम पे। ये चौकी में तो, और मैं यही खड़ी थी, और आदमी लोग ने नशेड़ी का टैग दे दिया। उसका आदमी ने क्या बोला, इधर लोग ने सब लोग ने घेर लिया, बोले तू बुला, तेरा दोस्त है तेरा भाई है ना, बुला, भाग गया क्या, बहुत गलत गलत बातें करने लगी। मैं देखो तुमको पहली बार तो गाली देना नहीं चाहिए। तो उसमें से सब बहुत सारी औरतें थी जो यहाँ की रफीक उनकी थी, और उसके आज जो चाचा है वो यहाँ सलीम बोलने लगा, मारो इन लोग को, इन लोग की जो इतनी भाई पटी ली, ये सब जो चल रही है ना इन लोगों की, यहाँ पर सब चल रहा है इन लोग का, बोले मारो, जब तक तुम मारेगी नहीं ना तो बोले मैं रिश्ता खत्म। हम लोग ने उस पर से बोली, तुमको बात बढ़ानी की है क्या अंकल, मैं बात करने आई, लड़ने नहीं आई, और मैं सबसे पहले उससे बात करने, और मुझे मालूम भी नहीं इसके, जब गाड़ी का जब वारदात हुआ तब मैं वो वहाँ थी, उसी के घर पे जा रही थी बात करने के लिए। इतने में आने में लोग ने धक्का दुखी, और वो जो सलीम था वो धक्का वक्का देने लगा, ऐसा सलीम उसका चाचा है जो धक्का वक्का देने लगा, और वो धक्का मुझे धक्का दिया, और जो उसके साथ में एक आसिया थी वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने, उसको क्या राइट है जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने, अगर उसकी वजह से अगर मेरे कैरेक्टर पे कुछ उंगली उठती है तो मुझे इंसाफ के लिए जो वीडियो बन रही है ना, जो सिर्फ इंसाफ के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली बैठने वाले लोग, और यहाँ मुझे बोलते पुलिस चौकी में सेटिंग है। हाँ, और सेटिंग है, तुम रात को 9:30 क्यों आए, तुम्हारी गाड़ी अगर टूट गई थी तो आ जाने का था ना, पहले कंप्लेंट दे देने का था। मेरे साथ हुआ तो मैं पहला भागते हुए गया ना, कंप्लेंट मेरे पास है, मेरे पास टाइमिंग बता रही हूँ, आसिया चौकी में बैठे उसको लाना है, और जो उसका चाचा उसके खिलाफ है, उन लोग हमको लाइव अगर आके यूट्यूब पर सॉल्व करने के लिए आगे साथ DCP ACP को लेटर भी दिया है, तो आगे आप क्या प्रोसेस करेंगे, ऐसा कहता हूँ उनके, अभी वो माफी मांगे, वो कुछ कर दे कल को खुदा ना खास्ता, तो आगे हमारा प्रोसेस इसके लिए हम लोग ने करे, क्योंकि हमारे एक सेफ साइड करके रखे, उनसे भी हम डिस्कस करके आपको ये, क्योंकि वो हमारे को सॉरी का अगर आता है, जैसे हम यहाँ बैठते तो वो क्या बोले सॉल्व करने के लिए, लोगों ने यहाँ के बड़े बड़े लोग उन्होंने भी बोले सॉल्व करने का मैटर बोले, तो उनको क्या बोलते हैं, क्या मैं उसको मारूंगी, मैं उसको मारूंगी भी, और उसको बोलूंगी ये भरपाई करके भी दे मेरे को, मेरे को मेरा यही है कि उसको मारने का, उसको भरपाई, तुम्हारे को चाहते ना तुम बिल्डिंग वाले, देखो बताएंगे तुम्हारे बिल्डिंग वाले लोग, दुकान वाले लोग बताएंगे, सब बताएंगे तुम्हारे को कि हम नशेड़ी लोग हैं। अरे किसी के कैरेक्टर में मत जाओ, ऐसा नशेड़ी लोग हैं, कोई नहीं बैठता है, हम लोग यहाँ रहते हैं यहाँ ही बैठते हैं, वो तो वहाँ रहते हो यहाँ गाड़ी लगाते,
बोलते ये बिल्डिंग वाले गाड़ी नहीं लगाने देंगे, क्यों नहीं लगाने देंगे, किसकी जगह है ना। हेलो, हाँ इस्लामुद्दीन बोल रहा हूँ, प्रहार टाइम। कहाँ से? प्रहार टाइम। हाँ बोलिए ना। हाँ अरे कुछ आप लोगों का झगड़ा हुआ था बाइक पर बैठने को लेके। हाँ तो वो लोग बुलाए थे, इंटरव्यू दिए वो लोग, तो मैं आया था आपके बिल्डिंग के इधर ही खड़ा था, तो आपका भी इंटरव्यू लेना था, आपका भी पूछना था पक्ष। एक्चुअली मैं साइन में हूँ, मैं इधर हूँ ही नहीं। आपका लड़का मेरे साथ ही है, वो बोला इधर बाजू में कहीं शादी है, वहाँ पे गए। शादी है मेरे देवर की, बट हम दुल्हन वाले के रस्ते मंडी गए। गोवंडी नहीं, गोवंडी, गोवंडी। हाँ हाँ बराबर, गोवंडी बोल रहे हैं। गोवंडी गए हैं। तो कब तक मिलेंगे आप? मैं आपको कल मिल जाऊंगी मॉर्निंग में, बस रात को तो हमको लेट होगा ना आने के लिए। हाँ तो कितने बजे मिलेंगे? मॉर्निंग में आ जाइए ना आप, 11 बजे तक आ जाइए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप आ जाइए 11 बजे। उसके बाद में जो भी है आपको न्यूज़ डालनी है आप वेरीफाई करके फिर आप डालिए अपनी। नहीं इसीलिए तो आपको फोन किया ना। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, आप मॉर्निंग में आ जाइए 11 बजे, आप मेरे को फोन करिए, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलो।